उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला में स्थित सीएससी के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बेहतर और अच्छा उपचार देने के कारण जिले में प्रथम व मंडल में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर समाज सेवी व सत्यपथ संस्था के संस्थापक शेर सिंह बौद्ध ने चिकित्सकों को संविधान की पुस्तक भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि सत्यपथ संस्था के संस्थापक व समाज सेवी शेर सिंह बौद्ध ने गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह को संविधान की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। समाज सेवी शेर सिंह बौद्ध ने बताया कि गजरौला सीएससी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह के सहयोग से क्षेत्र के मरीजों को अच्छी सुविधा और बेहतर उपचार देने के लिए जनपद में पहला और मंडल में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही खुशी की बात है और डॉक्टर योगेंद्र सिंह अपनी अच्छी कार्यशैली के लिए बधाई के पात्र हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला पहुंचकर संविधान की पुस्तक भेंट कर और शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने कुछ पत्रकारों को संविधान की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र के सहयोग से क्षेत्र के मरीजों को भविष्य में अच्छा उपचार मिलता रहेगा। सत्यपथ संस्था के संस्थापक सदस्य और समाज सेवी शेर सिंह बौद्ध ने कहा कि भारत के संविधान की पुस्तक भेंट कर लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोग संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित हों और उनके आदर्शों को, निर्देशों को, उनके आदेशों को तथा उनके विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर सही दिशा में ले जाकर जीवन जीने का प्रयास कर संविधान का पालन करें। इसी संदर्भ में हमने जीवन में यह शुरुआत की है। सभी लोग भारत के संविधान को पढ़ें और बाबा साहब के विचारों पर चलें, जिससे देश में अमन शांति रहे और भाईचारा बना रहे। लोग भारत के संविधान को पढ़कर अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों। देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, क्योंकि देश सर्वोपरि है। जिस देश में हम रहते हैं, उसके निर्माण में हम सभी को तन मन धन से अपने देश के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इस तरह के कार्य हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह, समाज सेवी शेर सिंह बौद्ध, डॉक्टर फारूक अली सैफी, समाज सेवी डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, सिराजुद्दीन अहमद आदि लोग मौजूद रहे। अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। आज डॉक्टरों को सम्मान समारोह किया गया, इनके बारे में बताइए भाई साहब। आज डॉक्टरों को सम्मान करने का जो उद्देश्य रहा, अभी पिछले हफ्ते समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि हमारा गजरौला सीएससी जो है वो जिले में प्रथम स्थान पर स्वच्छता में सेवा में आया और मंडल में तीसरा स्थान पर होगा। तो हमने ये विचार किया संस्था की तरफ से, अपने सत्यपथ की ओर से, कि ऐसे लोगों का जो अच्छी सेवा दे रहे हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। तो हमने संस्था की तरफ से आज जो है इनको सॉल्व भेज करके और सबको भारत का संविधान पुस्तक भेज करके जो है वो सम्मान किया। ठीक, वो इसलिए कि लोगों के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, वो जो है दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा देता है। आगे भी इस तरह से कार्यक्रम चलते रहेंगे, लगातार चलता रहेगा। और केवल ये है, मैं पिछले लंबे समय से ही काम कर रहा हूँ, आगे को जितना भी हमारा आज का जो है, जो हमारे डॉक्टर ये संजीव पाल जी हैं जो अभी पर्यावरण में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने 25 किताबें आज इसको देकर जो है कहा था। और हमारे डॉक्टर फारूक साहब, उन्होंने 25 किताबें इनको दी थी और भैया ने पिछली बार जब खाना बांटी गई थी 50 किताबें। सर, इस पुस्तक को भेंट करने का आपका क्या उद्देश्य है? मेरा पुस्तक को भेंट करने का उद्देश्य है कि लोग भारत के संविधान के बारे में जागरूक जाने, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जाने, अपनी ड्यूटीज के बारे में जाने और अपने जो कर्तव्य हैं उनके बारे में जाने। इसलिए जी, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।